बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो है वो रमज़ान की आमद आमद है। रमज़ान जो है वो करीब है, तो रमज़ान करीब करीब है। हो सकता है कल या परसों जो है वो हमारे यहाँ पहला रोज़ा हो। तो जैसा कि पता है कि सभी ने तकरीबन जो है अपने घरों में जो है वो कुछ ना कुछ तैयारी प्रिपरेशन की होगी रमज़ान के हवाले से। तो हमने भी कुछ जो है प्रिपरेशन की है, जैसे कि कुछ चीज़ें जो पहले से हम लोग बना कर रख लेते हैं। मतलब ऐसा होता है कि उस वक्त बहुत अफरा तफरी का आराम होता है, तो ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ें ताज़ी ताज़ी उसे फ्रेश बनाएं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमने जो है वो पहले से प्रिपरेशन करके रखनी होती है। तो इस वजह से मैंने भी जो है छोटा सा जो है वो प्रिपरेशन की है, तैयारी की है। तो आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहूँगी वो अपनी तैयारी। इसके अलावा जो है जैसे आप लोग पता है कि ज़्यादातर मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं वो शॉपिंग से के हवाले से, शॉपिंग से रिलेटेड होते हैं। तो शॉपिंग के से रिलेटेड होते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर जो है वो बाहर ही रहना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे यकीनन जो है कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की होगी, वैसे हमने भी की है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मौके मिल सके। इसके बाद जो है आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है। तो सबसे पहले जो है मैं नीचे का डोर ओपन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या तैयारियाँ करके रखी है। मैं तैयारी इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, क्योंकि मैं जो है क्लीनर से, सो सॉरी व्यूवर्स, यहाँ पर जो है शॉर्ट बहुत ज़्यादा था इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ी। तो यहाँ पर जो है मैंने फर्स्ट रो में बता दूँ, मैंने यहाँ पर रखा है ब्लू बैंड का मार्जरीन बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे जो है जाहिर सी बात है उनका तो रोज़ा नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे। यहाँ पर मैंने उनके लिए ब्लू बैंड मार्जरीन रखा, और यहाँ पर मैं इसलिए रखती हूँ यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा जो है वो ठंडा हो जाता है ना ज़्यादा गर्म, तो यहाँ पर रखना चाहिए मार्जरीन को। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो जैम रखा हुआ है, साथ ही ग्रीन वाली जो चटनी होती है हरी वाली, वो मैं कुछ जो है वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि मैंने उसको जो है वो अच्छे से चिल नहीं किया था सब, तो मैंने जो है फ्रीज़ कर दी थी, ये वाली थोड़ी सी मैंने बचा ली थी वो मैंने रख दी थी। यहाँ पर कुछ सोमो जेल है, कैलेंडोला, जो फ्रिज में रखती हूँ मैं, ज़्यादातर आइटम्स जो इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है। ये छालों की दवाई है, मुंह के छालों की, और इसके अलावा जो ये दांतों के दर्द की है, ये मैं जो है वो फ्रिज में ही रखना पसंद करती हूँ। इसके अलावा म्यूकेन सिरप है, ये गैस के लिए होता है, ये मैं इसमें रखती हूँ। इसके अलावा ये कुछ एसेंस हैं जो मैं बेकिंग और कुकिंग में यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से फ्रीज़ कर दिया, वो रख फ्रिज में जो है स्टोर करा हुआ है। मैं यूँ स्टोर करती हूँ यहाँ पर, ताकि जो है वो चीज़ें जल्दी ख़राब ना हों। तो यहाँ मक्खियाँ बेहद परेशान कर रही हैं, और मेरे ख्याल से जो है वो मैंगो का सीज़न आते ही जो है मक्खियाँ पहले ही परेशान करना शुरू कर देती हैं। खैर, यहाँ पर दो बोटल्स मैं यहाँ पर खरीद लाई हूँ बाहर से, जो है मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी हैं दोनों बोटल्स। और ये बोटल्स जो हैं ये एक मैंने मायोनीज में रखा है इसमें, और एक में जो है वो मैंने घर का बना हुआ है केचप रखा है। और ये साथ ही जो आपको नज़र आ रही है ये इमली की चटनी मैंने बनाई है घर में, दही वड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है ये, तो ये बना के रखी हुई है, इसका स्टोर कर दिया है मैंने। बोटल जो है वो घर में मिल जाती हैं आपको, सोया सॉस वगैरह की खाली होती हैं, तो मैं इस तरीके से इसको यूज़ कर लेती हूँ, दोबारा से रीयूज़ कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। ये साथ ही स्मार्टी का मैंने 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ, अभी भी इसके अंदर अमाउंट है अच्छी खासी, तो ये 2 kg का था, तो ये मैं जो है यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा ये इसका फ्लेवर होता है। इसके अलावा ये सरीले के मेरप का, और इसको मैं जो है गर्मियों में तो ज़्यादातर स्टोर फ्रिज में ही कर लेती हूँ। और साथ ही अब आ जाते हैं फ्रंट वाले सामने फ्रंट वाले एरिया पर, तो यहाँ पर मैंने जो सेकंड रो है इसमें रखा हुआ है ये आटा, ऊपर जो है वाटर बॉटल्स रखी हैं सारी पानी की, और ये रात का सालन बच गया था उसको इस तरीके से मैंने टाइट कंटेनर में रख दिया है, और एक कंटेनर मैंने आटे का रखा हुआ है। आटा जो है इमरजेंसी में रख लेती हूँ सुबह में गूंद कर, ताकि जो है वो काम आ जाए। साथ ही सेकंड रो में जो है यहाँ पर मैंने टमाटर और कुछ वेजिटेबल्स रखी हुई हैं थर्ड रो पे, और ये वेजिटेबल्स को इस तरीके से मैं तुरई वगैरह जो है वो इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। तुरइयाँ हो गई, ये शिमला मिर्च हो गई, और इस तरीके से जो है मैं इनको स्टोर कर लेती हूँ। ये जो स्प्रिंग रोल्स मैंने बनाए थे अभी रमज़ान के हवाले से, तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स जो थी वो बच गई थी, तो मैंने इसको इस तरीके से शॉपर में करके लपेट के अलग अलग से सारी वेजिटेबल्स रख दी हैं, ताकि किसी का भी मॉइस्चर जो है दूसरे में ना लगे, वरना उससे जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं कुछ सब्ज़ियाँ। पुदीना है वो, उसको मैंने अच्छे से जो है मलमल के कपड़े में लपेट के रखा है, इससे जो है मॉइस्चर इसका एब्जॉर्ब होता रहता है। और साथ ही यहाँ पर जो है मैं दिखा दूँ आपको, ये मेरे जार में ना एक एयरटाइट कंटेनर के अंदर मैंने रखे हैं, ये जो मांडा की शीट होती है ना रोल पट्टी की शीट, ये मैंने इसको इस तरीके से मैंने रख ली हैं, ताकि कभी पापड़ वगैरह बनाने करें समोसा चाट के साथ, या दही बड़े के साथ, या चनों के चाट के साथ जो है इसको बड़ा अच्छा सा लगता है। ये फ्राई कर लेते हैं ना इसको, तो क्रिस्पी सा जो है पापड़ वाला लुक आ जाता है इससे, तो ये मैंने रख लिया है। अदरक लहसुन जो है वो अलग अलग से मैंने पीस कर रख लिए हैं, अदरक लहसुन है और एक लहसुन अलग से, क्योंकि लहसुन अदरक जो है वो जल्दी महंगा हो जाता है, ये रख लिया है। साथ ही मैंने बराबर में ये जो है वो कंडेंस मिल्क रखा था, और ये जो नीचे जो बॉक्स है ना इसको मैंने खाली कर लिया है फ्रूट्स के लिए, फ्रूट्स वगैरह जब आएंगे तो इसमें रख दिए जाएंगे। साथ ही जार में एक खजूरों के लिए कंटेनर रखा हुआ है। तो ये था हमारा जो है वो नीचे वाला रो,
अब ऊपर वाले डोर पे आ जाते हैं। तो ऊपर वाले डोर में जो है मैंने रखा हुआ है ये फ्रीज़र में, ऊपर जो है सारा ये चीज़ आइटम्स है और ये केक से रिलेटेड है। ठीक है, चीज़ रखी हुई है यहाँ पे पिज़्ज़ा चीज़, इसके अलावा ये सारे जो है वो केक्स वगैरह के लिए चॉकलेट चिप्स हो गए, स्प्रिंकल्स हो गए, वाइट चॉकलेट्स हो गई, ये सब रखा हुआ है। और ये आपको दिखा रही हूँ, ये मार्जरीन है, मार्जरीन को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है और इसे जो है ना कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने पेडीज़ के लिए निकाल लूँगी। साथ ही ये मेरी कुछ क्रीम बच गई थी, ये व्हिपिंग क्रीम है, ये फाइन वालों की यूज़ करती हूँ मैं, तो मैंने उसको रबर बैंड लगा के अच्छे से टाइट करके रख लिया है। साथ ही वाइट चॉकलेट है, ये कुछ स्प्रिंकल्स हैं, चॉकलेट चिप है, खोया है, ये सब मैंने ऊपर वाले रैक में रखा हुआ है ताकि जो है कभी भी कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूरत पड़े तो ऊपर से निकाल ली जाए। तो सेकंड रैक में यहाँ पे जो है मैंने कुछ कॉर्नस वगैरह थे उनको मैंने स्टीम देकर बॉइल करके रखा हुआ है और ये भी काम आते हैं अक्सर आप लोगों ने चाट वगैरह में या फिर जो है वो सैलड वगैरह में यूज़ करती हूँ। उसके अलावा ये कॉकटेल का कैन है, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस तरीके से। और ये ग्रीन चिली सॉस है, सॉरी ग्रीन चिली सॉस के जो क्यूब्स बना के रख लिए मैंने, इसको मैंने अच्छे से वो एयर टाइट बैग में, जिप लॉक बैग में जिस तरीके से मैंने रख लिया है, ठीक है। और इसको मैंने इस तरीके से रखा हुआ है, जब मुझे ज़रूरत होगी चटनी के लिए या फिर जो है वो रायते के लिए मैं इसमें से निकाल लूँगी दही बड़ों के लिए, तो ये मैं इस तरीके से रख लेती हूँ हर साल। और यहाँ पर जो है वो चीज़ लूज़ में चीज़ रखी थी, मोज़रेला और चटर जो मैंने यूज़ करी हुई है थोड़ी सी वो रख ली थी, दही रख लिया था। साथ ही मैंने ये टेट्रा पैक की क्रीम है ये यहाँ पे यूज़ रखा हुआ है। इसके अलावा ये व्हिपिंग क्रीम है, मैं जो केक वगैरह में यूज़ करती हूँ, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है वो इस तरीके से रख दी हैं स्टोर करके, क्योंकि इसका जो है थोड़ा सा खाना दूरी होना चाहिए ताकि जो है आप किसी चीज़ की भी स्मेल जो है इसके अंदर ना बसे। इसके अलावा ये हरी मिर्चें जो है अक्सर रमज़ान में क्या होती हैं, गायब जाती हैं या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, तो मैं इसको इस तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। ये चनों को जो है मैंने उबाल कर और उसके मैंने चार सेक्शन करके रख दिए हैं, आधा आधा किलो के पैकेट, जब मुझे यूज़ करना होगा उसमें से आधे या फिर पूरा जब यूज़ करना होगा निकाल लूँगी और फिर मैं इसको रख दूँगी दोबारा से इस तरीके से ही। ये दूध ऊपर जो है सारा मैंने यहाँ पे दूध रखा हुआ है और इसको मैंने इस तरीके से सेट करके रखा है, यहाँ पे इस तरीके से सेव कर देती हूँ उसको। इसके अलावा ये मैंने एक पराठे लिए थे, ये फ्रोजन पराठे हैं और ये मैंने सेव करके सेव किए हैं और ये अभी निकल नहीं रहा ये पराठे हैं ये, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया हुआ है, कभी ज़रूरत पड़ी अगर कभी सेहरी में आँख नहीं खुली तो फिर ये वाले जो है पराठे हम यूज़ कर लेंगे जल्दी में और फिर हम सेहरी कर लेंगे इससे। ये बर्फ़ के प्याले रखे मैं दो और ये एक बोटल इमरजेंसी, जबकि मार्केट वगैरह जाती हूँ मैं अक्सर, तो फिर ये है कि बोटल रख के साथ लेके जाती हूँ ताकि जो है प्यास नहीं लगे रास्ते में, कोई पतला ना हो, इसलिए ठंडे पानी का रखिएगा, इन्हें प्यास बहुत लगती है असल में, रखनी चाहिए ना एक बोतल इसलिए। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये शामी कबाब बनाए हैं मैंने, ये सारे बना के मैंने फ्रीज कर दिए हैं। सेहरी वगैरह में जो है कभी कुछ नहीं करता सालन खाने का, तो कोई कबाब वगैरह जो है वो इस तरीके से निकालो एक और इसको फ्राई कर लो। ये मैंने कबाब बना के रखे हैं और उसको मैंने एयर टाइट बैग इस तरीके से ये प्लास्टिक बैग ले लीजिए, उसमें सब जो है अच्छे से सेफ रहते हैं, ख़राब भी नहीं होते और ये चिपकते भी नहीं है किचन में। और ये सेकंड चीज़ जो है ये बनाई है मैंने दही के बड़े जो होते हैं ना माच के दाल के बड़े, ये सारे बड़े बना के रखे हैं मैंने और ये भी जो है वो सेफ रहते हैं इस तरीके से। मैं पूरे महीने इसको दही में यूज़ कर लूँगी, जब करूँगी इंशाल्लाह तो आपको ज़रूर शेयर करूँगी। पूरे महीने इस्तेमाल हो जाएंगे ये? हाँ हाँ, हमारे यहाँ खाने वाले कितने हैं? मुझे नहीं लगता होंगे, हो जाएंगे। और ये जो है ना वो मटर भी अक्सर ज़रूरत पड़ती है पुलाव वगैरह बनाने में, तो मटर वगैरह जो है इस तरीके से फ्रीज कर लेती हूँ थोड़ा स्टीम देकर उसको और इस तरह से एयर टाइट बैग के अंदर टाइट करके रख लेते हैं इसको। मटर रखा हुआ है मैंने यहाँ पर और इसके साथ ही जो है थोड़ा छुपा के रखे क्योंकि कूलिंग सब का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बंग पैक रखा हुआ, हाँ अक्सर फ्रूट चाट दिल करता है ना क्रीम फ्रूट चाट खाने का, तो फ्रूट चाट के लिए मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, इसको थोड़ा सा बीट कर और फिर इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। इंशाल्लाह शेयर करूँगी, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर दूँगी। इसके बाद जो है यहाँ पर दिखा दूँ मैं, ये स्ट्रॉबेरीज का जो है पल्प निकाल के रखा है मैंने, स्ट्रॉबेरी का ये पल्प है और इसको मैं यूज़ करूँगी शेक वगैरह में, शरबत वगैरह में, जो मैं स्ट्रॉबेरी का जो है वो ड्रिंक वगैरह बनाएंगे हम मिल्क वाला, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये इस तरीके से बना के रख लेते हैं, इस तरीके से जो है ना इसको बना के रख लेती हूँ। उसको मैंने थोड़ी इस तरीके से तोड़ लिया था ताकि ना ये जब निकालना हो थोड़ा बहुत तो क्वांटिटी में निकाल लिया जाए। जब बनाऊँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी पल्प क्यों निकाला है मैंने इसका, मैं ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ दोबारा से ये, और इसके नीचे वाले रूम आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर ब्रेड क्रम्स, सबसे पहले एक बॉक्स के अंदर ये एयर टाइट बॉक्स मिलते हैं मार्केट्स में, इसमें जो है ब्रेड क्रम्स रखा हुआ है इस तरीके से, ये मैंने खुद घर में बनाया है और ये बहुत काम आता है रमज़ान में ना, तो ये इस तरीके का ब्रेड बिल्कुल वैसी कंडीशन में निकलता है जिस तरह से आप रखते हैं इसको। इसके बाद जो है ये मैंने यहाँ पर फिश रखी हुई है मसाला लगाकर,
तो फिश रखी हुई है मैंने मसाला लगाकर और ये थोड़ा सा हार्ड हो रहा अभी नहीं खुल रहा। ये इस तरीके से मैं रख देती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ी तो निकाल ली इसमें से। और ये भी फिश ही है? नहीं, ये जो है ना वो पिज़्ज़ा सॉस है, ये जो मैंने घर में बनाया है। टमाटर बहुत सस्ते थे तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें बना के रख ली थी। पिज़्ज़ा सॉस है ये, और ये भी इस तरीके का है। ठीक है, इसको जब जरूर यूज़ हो करना होगा तो मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दूँगी, रूम टेम्परेचर पे, इसके बाद इसको यूज़ कर लूँगी। ये आइस क्यूब्स हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज को जो है ना बहुत फ्रीज कर लेती हूँ मैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज बहुत बच्चों को हमारे बहुत पसंद हैं और सब भी हमारे शौक से खाते हैं स्ट्रॉबेरी। हाँ, तो ये स्ट्रॉबेरी का जार है, स्ट्रॉबेरी इस तरीके से मैं सेव कर लेती हूँ इसके अंदर। स्ट्रॉबेरी सेव करने से ये होता है कि शेक वगैरह बनाना हो या कभी फ्रूट चाट में जो है ना, अक्सर रमजान में जो है फ्रूट्स गायब हो जाते हैं मार्केट से, तो ऐसे ठंडी ठंडी डाल दी जाती हैं। नहीं, इसको कट करके जो है ना वो चाट में डालती तो बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है। ठंडी भी रहती है ना? हाँ, ठंडी भी रहती है। और शेक वगैरह में यूज़ करें तो आइस क्यूब की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं इस तरीके से शेक करके रख लिया मैंने इसे। और यहाँ पर जो है मैंने एहसन के लिए, एहसन को जो है ना कीमे वाले समोसे बहुत पसंद हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पर कीमे वाले समोसे बना के रखे हैं इस तरीके से। ये सारे कीमे वाले समोसे हैं और ये सिर्फ एहसन ही खाएंगे क्योंकि एहसन को पसंद है। क्या पता कुछ बच्चे खा लें एक आज, लेकिन बच्चे जो है ना ये रोल्स वगैरह ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये पिज़्ज़ा रोल बनाए हैं। स्प्रिंग रोल भी हैं इसके अंदर और पिज़्ज़ा रोल, चिकन पिज़्ज़ा रोल भी हैं। ये जो है ना चिकन चीज़ रोल, सॉरी, ये पिज़्ज़ा रोल, ये स्प्रिंग रोल्स हैं और ये वाले जो हैं ये पिज़्ज़ा रोल हैं, वो स्प्रिंग वो हैं ये समोसे, चीज़ समोसा, ये चिकन चीज़ समोसा बनाया है, ये स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं। और इसकी जो है मैं रिकॉर्ड करना मेरा मुनासिब नहीं समझा क्योंकि हर कोई जो है वो डाल रहा है रेसिपीज़, तो मैंने कहा मैं सोचा कि कौन देखेगा मेरी इतनी रेसिपीज़ को, इसलिए मैंने इसे बना कर रख लिया है। ये वाले समोसे जो हैं ये टिक्का समोसा बनाया है मैंने, ठीक है, अलग अलग फिलिंग डाल चिकन टिक्का बनाया है, मैरिनेट करके रख लिया चिकन को, जब जरूरत पड़ेगी निकालूंगी। ये करके रख लिया इसमें, ये इस वाले जार में जो है इन्होंने गोश्त वगैरह जो है वो सब सेव कर लिया, चिकन का भी है, बीफ भी है, कीमा वगैरह जो है सब इसको मैं शॉपर में कीमा वगैरह जो है वो पीस बनाओ पैक बना के रख लेती हूँ, छोटे छोटे पैक बना के वो रख दी। तो व्यूवर्स, की सारी तैयारियाँ इसलिए की हैं ताकि जो है हमारा वक्त की बचत हो सके, वक्त हमारा बच सके इन कामों से, ताकि हम जो है रमज़ान मुबारक का महीना, बाबरकतों वाले महीने को जो है उसकी में नेकियाँ रूट सकें ज़्यादा ज़्यादा, और इस महीने में जो है ज़्यादा ज़्यादा इबादत कर सकें। सलात व तस्बीह जो है वो हर जुम्मे को ज़रूर पढ़ें, रोज़ पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यह है कि हर जुम्मे को ज़रूर पढ़ना चाहिए, सलात व तस्बीह हो गया। इसके अलावा कुरान पाक जो है सहरी में अफ्तारी में ज़रूर लेके बैठती हूँ ताकि मेरे एक से दो कुरान पाक जो हैं वो ज़रूर ख़त्म हो जाएँ। तो इस वीडियो को इख्तिताम इसी दुआ से करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको जो है रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े हिम्मत ताकत के साथ, खुश उसलूबी के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए, और हम जो है कोई भी रोज़ा ऐसा ना हो कि हमारा कज़ा हो या हमारी कोई नमाज कज़ा हो। हम हर काम जो है अपने अपने टाइम पर करें और भी पंक्चुअल रहकर जो है हम इस रोज़े की और रमज़ान की अतात कर सकें, अल्लाह ताला की अतात कर सकें। तो इंशाल्लाह इसी के साथ फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की एडवांस मुबारकबाद।